हेलो बच्चों, आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। कल हमने चैप्टर फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था, बेसिक किया था हमने, ताकि आपके डाउट्स खत्म हो। पार्ट एट मतलब क्लास एट्थ है आज हमारी, चैप्टर फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चीज करें। उसके करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, वो बेनिफिट जो है आप तक जाना चाहिए, मेन मोटो ये है। फिर भी अगर आपने नहीं देखा या स्किप करके देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, उसको आप रिप्ले करके देखो। डाउट्स तब तक रहेंगे जब तक आप स्किप करेंगे चीजें, ठीक है ना। स्किप नहीं करनी, रिप्ले करके देखना है, बार बार देखना है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। आई थिंक वहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो कल देखो, जैसे हमने हेलो एल्केन्स किए थे, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स थे आपके, ये मैंने आपको बताया भी था। हेलो एल्केन क्या है, जहां पे हेलोजन है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपके हेलोजन्स है। कल आपने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे कि मानो आपका फ्लोरीन एड है और यहाँ पे ये सब कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो आपने क्या कहा, फ्लोरो इथेन, फ्लोरो इथेन, इजी हो गया ना। अब ये ऐसे अगर बी आर लग जाए तो ब्रोमो कह दोगे, सी एल लग जाए तो क्लोरो कह दोगे, आयोडीन लग जाए तो आइडो कह दोगे, क्या ही बात है इसमें, तो है ना, इजी हो गया ये तो, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था अल्कोहल, क्या किया था, अल्कोहल। ये आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग के बाद आपका रिटन जितना रहेगा ना, वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। और अगर आप प्लस वन में भी साइंस लेना चाहेंगे तो ये चीजें आपको वहां बेनिफिट करेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा आएगी बेटा आगे, ठीक है। फिर वहां हिलोगे डुलोगे, क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिक तो क्लियर करो ना। नाइन्थ टेंथ अच्छे से पास होगी, ये देखो आपके बोर्ड के एग्जाम है, और बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका इस तरीके से वीडियो तैयार किया जाता है, ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है। अल्कोहल मैंने बताया था कि इसमें सफिक्स आपका ओल लगता है, ओल है यहाँ पे, तो लास्ट में कोई भी कंपाउंड रहेगा ओल लगेगा, जैसे कि आपने किया ये, ठीक है, ये सारा आपका हाइड्रोजन है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका आ गया है ये वाला पार्ट, आ गया ना, ओके, कोई नहीं। अब ये आया है तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, कितने कार्बन है, तीन है, नाम क्या जाएगा, प्रोपेनोल। चार हो जाए तो ब्यूटेनोल, पांच हो जाए पेंटानोल, हेक्सानोल, मिथेनोल, इथेनोल, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा बेटा, वो आएगा आपका यहाँ पे एल्डिहाइड, क्या रहेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का जो ए एल वाला पार्ट है वो लास्ट में एक सफिक्स का काम करेगा, सफिक्स का काम करेगा, इसका मतलब जो भी केमिकल कंपाउंड का नेम आपको रखना होगा उसमें ए एल आपको मिलेगा, इससे आप पहचान करेंगे, उसका मतलब है एल्डिहाइड। और फंक्शनल ग्रुप रहेगा बेटा सी एच ओ, सी एच ओ जो है आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ये दो चीजें तो पहले माइंड में करो आप, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अब सी एच ओ है तो देखते हैं क्या करें, यहाँ पे सी सी ये आपने लगाया यहाँ पर, ठीक है, ये पार्ट सी एच ओ कहा जा रहा है, ठीक है ना, सी एच ओ ये बना आपका एक एल्डिहाइड, क्या बनेगा बेटा, एक आपका जो है यहाँ पे एल्डिहाइड तैयार हो गया, ठीक। नेमिंग मैंने बताया है IUPAC के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसका जो कार्बन है वो इंक्लूड होना है यहाँ पे। तो OH में ये आपका क्या था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे तो कोई कार्बन है नहीं, तो कार्बन तो बेसिक जो कार्बन है उनको काउंट करोगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये आ गया CHO, इसके कार्बन को आपके आपको कम से कम नंबर देने हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे कार्बन, तो कितने कार्बन है, टोटल तीन काउंट हो रहे हैं, तीन के लिए वर्ड होगा प्रोपेनल, प्रोपेनल, ऐसे अगर चार हो जाते ब्यूटेनल, लास्ट में देखो AL आया, फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू एल्डिहाइड। बताओ यहां तक क्लियर हो रहा है, पहले आपका हो रहा है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कीटोन, नेक्स्ट देखेंगे
कीटोन, ठीक है। अब कीटोन में लास्ट में नेम में मिलेगा ओन, मतलब वन जो आप कह रहे हो ना, जैसे प्रोपेनोन ब्यूटेनोन ऐसे आपको मिलेगा। तो ये रहेगा इसका सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप रहेगा सीओ, सीओ बोन, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप, अब ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इनकी नेमिंग हम करें, किस तरीके से आप अपने कंपाउंड को बनाओगे। ये देखो बेटा, ये हाँ जी फंक्शनल ग्रुप देखो आया यहाँ पे, वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है, एक दो तीन चार, है ना, ऐसे एक दो तीन चार, मतलब ये जो वैलेंसी भी है उसको भी कंप्लीट करते हुए चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये चीज भी आप माइंड में देखें, आप मतलब गलत ना करें बेटा। अब इसका नाम करते हैं, ठीक है, नेमिंग करेंगे तो प्रोपेनोन क्या जाएगा बेटा, प्रोपेनोन लास्ट में देखो ओन देख रहे हो ना, और प्रोप क्योंकि थ्री कार्बन थे, हुई ये चीज क्लियर। हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, चार हो गए। लास्ट हमारा रह गया है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वो मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको इकट्ठा जो है सारा एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि ये ही जो है आपके नंबर या तो बचाएंगे या तो खत्म कर देंगे, है ना। ओके नेक्स्ट रहेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको फाइव ही करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस लेवल पे फाइव ही है आपके। आगे ईथर एस्टर है, वो भी टेंथ लेवल पे नहीं है तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में मिलेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, ये तो रहेगा नेमिंग के लिए। फंक्शनल ग्रुप रहेगा सी ओ ओ एच, हाँ जी। पहले तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप, उसे काम चलेगा हमारा, ठीक है। अब काम चलाते हैं, इससे ही हम काम चलाएंगे। अब देखो बेटा जी, आप ठीक है ना, मतलब ध्यान से जो है आपको देखना है यहाँ पे कोई आपकी कमी ना रह जाए, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया ना सी ओ ओ एच, इस कार्बन को इंक्लूड करना है आपको फंक्शनल ग्रुप में, जो कार्बन है उसको नेमिंग में इन्वॉल्व करना है। तीन कार्बन है, नाम क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बना बेटा, प्रोपेनोइक एसिड, हाँ जी। यहां तक क्लियर हुआ ना, ऐसे ही अगर मैं इसमें, चलो एक चीज और इसमें हम, अगर मैं इसमें यहां पे ये रिमूव कर दूं तो कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन। अब इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, देखो फार्मूला क्या बन रहा है, CH3COOH बना ना, दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ध्यान दे, इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, जो लोकल नाम भी आप कह सकते हो। इथेनोइक एसिड तो IUPAC के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, और एसिटिक एसिड एक टाइप से इसका लोकल नेम कहो, इंग्लिश नेम कहो, कॉमन नेम भी कह सकते हो, ठीक है जी। दूसरा एक और नाम विनेगार, ये आप लोकल नेम कह सकते हो, विनेगार का मतलब होता है सिरका, सिरका क्या रहेगा बेटा, सिरका, सिरका क्या, जो आप अचार में देखते हो या चाउमीन में डालते हो, है ना, या पास्ता में, मैक्रोनी में डालते हो ना, जो आपका टेस्ट को बढ़ाता है, लेकिन ये आपकी इंटेस्टाइन को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करता है। तो इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, ठीक है। ऐसे इसका मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला मैं कर रही हूँ इरेज। तो ये रहेगा बेटा आपका क्या बना, एच सी ओ ओ एच, देखो सिंपल लिख दो, ये कितने कार्बन है, एक कार्बन, उसके लिए क्या लगेगा, मिथेनोइक एसिड, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के नाम, हाँ जी। यहां तक बताओ मुझे, हुआ कुछ क्लियर, हो जाएगा। आपको क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी, आप अपनी मर्जी से कोई भी कंपाउंड अपने माइंड में बोल दो, क्लियर कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको आनी चाहिए, जरूरी है। इसमें थोड़ा सा मैं एक दो टर्म्स आपको और बताना चाहूंगी,
एक दो टर्म्स और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये पॉइंट यहां तक ये चैप्टर फिनिश होगा। इसको हम दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, चैप्टर लेंथी है ना, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहां पे अब देखो, आप कल बताया था ना एल्केन, एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये चीजें भी आपने देखी थी। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए थे अपने, इथीन पढ़ा था ना कल बेटा, ये भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर ले, इथीन तीन वर्ड लगेगा। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड लेके चलेंगे, इथाइन बन जाएगा, क्या बन गया, इथाइन। एक और चीज पूछी जाती है यहाँ पे, आइसोमर्स पूछ लेते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड के, जैसे कि पेंटिन के पूछ ले, पेंटिन सिंपल है, पांच कार्बन लगाओ, ये लगाओ हाइड्रोजन, बन गया पेंटिन, इजी। अब इसका अगर मैं कहूं कि एन पेंटेन बनाना है ना, मतलब एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एक आपका आइसो पेंटेन है, एक न्यू पेंटेन, ये तो एन पेंटेन हो गया, नॉर्मल हो गया, एक आएगा आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन में क्या करना है, एक ब्रांच निकालनी है आपको इसकी, जैसे है ना, एक ब्रांच यहां दिखा दो, ये सारे यहाँ पे हाइड्रोजन आने आपके, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए। आइसोपेंटेन का मतलब होता है जिसमें एक ब्रांच निकल जाए, एक ब्रांच निकाल दी मैंने। अब ऐसे नियोपेंटेन कर लेते हैं, नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन में दो ब्रांच रहेंगे, देखो फिर से इनके हाइड्रोजन लगा दो, ये देखो फास्ट तो नहीं चल रही हूँ, फास्ट नहीं है, समझ में आएगा, आप लिखोगे ना, आप मुझसे भी ज्यादा फास्ट हो। नियोपेंटेन जिसमें दो ब्रांच निकला है, कोई क्लियर यहां तक? तो ये आइसोमर पूछ रही है, पेंटेन को किस किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, आपने कहा कि नॉर्मल है, आइसो है और नियोपेंटेन है, आइसो में एक ब्रांच, नियो में दो ब्रांच और एन में नॉर्मल, सिंपल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपके ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ऐसे ही एक दो टर्म साइक्लोपेंटेन दे दे आपको, साइक्लो में साइकिल की फॉर्म में बना देना, ये लो जी, ये भी कर दिया, ये चीज हमारी अलग है, ठीक है ना, ये चीज अलग है, ये एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, साइक्लो है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया है। ऐसे अगर हम बनाना चाहें हेक्सेन, हेक्सेन देख लो, हेक्सेन तो नॉर्मल है, बेंजीन देखो, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन जो है कार्सिनोजेनिक होता है, बेंजीन कैसा है बेटा, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर पोजिंग होता है, जो कैंसर पोज कर सकता है, इसीलिए बेंजीन जैसे एक्सपेरिमेंट जो है आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं करवाएंगे, मतलब कहते नहीं, इसका एक्सपोजर भी नहीं करवाना, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पोज कर सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये ठीक है, ये एक दो तीन चार पांच छह, कितने कार्बन है, छह कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन भी बोला जा सकता है ना, ओके, ये बात क्लियर हो रही है ना आपको? तो कितने कार्बन है बेटा, छह कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आप शो कर सकते हैं, इज इट क्लियर? फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H6, तो देखो इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड आ गया, हाँ जी, यहां तक क्लियर, ओके बेटा, यहां तक हम फिनिश करते हैं, आगे इस पार्ट को हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे, मैंने बताया ना हम इसको मतलब दो तीन वीडियोस में जाके फिनिश करेंगे, ठीक है, तो धीरज धैर्य बनाए रखें, ध्यान से देखें, स्किप ना करें वीडियो, स्किप करते हैं तो आपके डाउट्स वहीं रह जाएंगे, रिप्ले कर करके देखना है, फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले आपके जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ओके बेटा, ये मैराथन सेशन आज मैं एंड कर रही हूँ, संडे है तो थोड़ा आप देखें टाइम निकाल के इसको, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, यू कैन डू दिस, हमेशा अपने आप को ये बोलना है, ऑल इज वेल, यू कैन डू दिस, थैंक्स।